हेलो दोस्तों, आज हम आए सर्वेद महादेव मंदिर। तो ये जो रोड है ये गाजीपुर की रोड है, फोर लेन, और वहाँ देखिए बोर्ड लगा है, सर्वेद महादेव मंदिर का बोर्ड वहाँ लगा हुआ है रोड के बीच, फोर लेन के बीच बाएं तरफ। और अब दूसरी तरफ आइए, इधर देखिए, वो देखिए वो मंदिर है, सर्वेद महादेव मंदिर। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं डिटेल कि मंदिर कितना भव्य बना है। इसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। तो अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर, आपको दिखाएंगे, आइए चलते हैं मंदिर का। सर्वेद महामंदिर धाम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। काशी देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ के उमरहा में ये मंदिर निर्माणाधीन है। विशाल साधना केंद्र है ये सर्वेद महामंदिर, अपने आप में अनोखा है। इसका कारण यह है कि यह मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है। और इस मंदिर के विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचे थे। विश्वनाथ धाम के साथ ही यह माँ मंदिर भी काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की शिखर पताका को और ऊँचा उठाएगा। अगर बात करें इस मंदिर की तो यह वास्तुशिल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। 64,000 वर्ग फीट में बन रहे 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण 18 साल पहले शुरू हुआ था। इसमें अभी स्वरवेद के दोहे मंदिर के अंदर अंकित किए जा रहे हैं। मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है, एक विशालकाय कमल लगता है दूर से देखने में। गुजरात में GRC तकनीक द्वारा बनाए जा रहे 9 गुंबद 9 कमलों की तरह होगा। सर्वेद महामंदिर को देश के सबसे बड़ा मेडिटेशन केंद्र या विहंगम योग किया जाएगा उसका केंद्र माना जा रहा है। महामंदिर परिसर में 100 फीट ऊंची सत गुरुदेव की सैंड स्टोन की प्रतिमा भी स्थापित होगी। इसमें आयोजन होते रहते हैं। मई 2017 में 21,000 कुंडी सर्वेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ हुआ था, उस वक्त इसे इतिहास के सबसे विशालतम यज्ञ की संज्ञा दी गई थी। विहंगम योग के जरिए नशा मुक्ति की राह प्रशस्त करने वाले आध्यात्मिक अभियान में हर वर्ष लाखों लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। तो ये है इसका विशेष कारण, मंदिर के विशेष होने का। 3,00,000 वर्ग फीट में गुलाबी पत्थरों की नक्काशी के लिए 350 ज़्यादा शिल्पी यहाँ लगे हुए थे लगातार। और प्राचीन स्थापित कला के समन्वय से बन रहे इस दिव्य आध्यात्मिक केंद्र की झलक पाने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। यहाँ लगातार गुणीजन अपना प्रवचन व्याख्यान देते रहते हैं, आइए इनमें से एक को हम सुनते हैं ध्यानपूर्वक। और फिर इधर उधर से बेटा को इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बना दिया, इतना धन भी हो गया, ऐसे मुझे आप चल देना, यही है यही है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा उद्देश्य, हम कहते हैं घोरा गढ़हा कुत्ता भी चूहा भी तो बच्चे जन्म देते हैं, वो भी भोजन करते हैं, तो मेरे उसमें क्या डिफरेंस रह गया? दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या रह गया? एक मानव है एक जानवर में। तो मेरा तो पहले वही है जो तो कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाता कैसे जग उत्पन्न हुई, लीन कौन मेरे पर, कैसे इस संसार से मैं पार होऊंगा, उसका हम लोगों का खोज करना चाहिए। जो परमात्मा ने बड़े भागी मानुष तन पावा असुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ है इनका, असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह जो है साधन धाम है, यह एक क्या है मोक्ष का द्वार है। ये शरीर कि शरीर है मोक्ष का द्वार, कहीं मंदिर मस्जिद से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। हम भी जाएंगे, हम ब्राह्मण हैं आपके यहाँ पूजा करवाने के लिए, तो क्या करेंगे? पूजा करा देंगे, आप उनको दक्षिणा दे देंगे, बस हो गया, हम मुक्ति तक नहीं ले जाते। उसके लिए आप ही को प्रयत्न करना पड़ेगा और आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब न यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं यदा।
तो जब जब धर्म का हानि होगा तब तक परमात्मा अवतरित होते हैं इस धरोधाम। कदे वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणी साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी भी स्वयं को अपना फल नहीं खाती, तो दूसरे के लिए वृक्ष है। नदियां बहती चली जा रही है, स्वयं को पानी नहीं पीती, तो दूसरे के लिए। ये बादल आते हैं बरस जाते हैं किसके लिए? हम आप सबों के लिए। तो आज संसार क्या है, दूसरे को ही देखने में लगा हुआ है। हमें कष्ट क्यों हो रहा है? हम दूसरे को जो बड़ा मकान देख रहे हैं, मेरा छोटा है, कुछ तकलीफ हो रहा है मुझे, जो मेरे पड़ोसी इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया, मेरा 10 लाख का गाड़ी उसको 40 लाख का गाड़ी हो गया। तो लोग अपने से दुखी नहीं है, दूसरे को देखने से दुखी है लोग आज संसार में। तो मैं तो कहूँगा जो पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन जरूर करिए 10 मिनट 24 घंटा में। कहते हैं परमात्मा एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्यात, अतुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट का, आधा घड़ी 12 मिनट, आधो में पुण्यात मतलब 6 मिनट करो, लेकिन किसका? उस परम पिता का। जब कर लोगे तो तेरा उद्धार निश्चित है, और जिस सत्संग में जब जाते हो तो कोटि मतलब करोड़ों तो क्षमा हो जाता है धीरे धीरे। एक दिन में तो नहीं लोगों को समझ आता है, जो मैंने सत्संग में जाया लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं, प्रसादी दिया, अकेला था, प्रसादी मिला, खा के वहीं समाप्त कर दिया। लेकिन उसको बाद में पता चलता है, जब कोई भयंकर कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, तब उसको पता चलता है आज मैं कुछ अच्छा कर्म किया था जो हम बच गया, मेरे पति बच गए, मेरे पुत्र बच गए। तो इसीलिए संसार है। संत तो आते हैं परमार्थी, संत बहुत परमार्थी सहज करी उपकार, वो तो सबके उपकार के लिए जरूर धाम पर आते हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप बहुत दिए तो आप अपना हो गए, और मैं नहीं दिया तो मैं उनका नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, वो तो सबके लिए। तो इसीलिए इस संसार में हम आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जो 10 मिनट मेडिटेशन सुबह शाम जरूर करिए इस 24 घंटा में से, और जो पूजा पाठ करते हैं करते रहिए। समय किसी के लिए नहीं रहा है, न रुका है न रुकेगा कभी, वो चलता है। कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। कि मेढक जो है ना सर्प के मुंह में चला गया है, अब थोड़ा रह गया उसका प्राण निगलने में सर्प को, तब भी उसके आगे से कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं ना, उसको भी लपालपू मारता रहता है। तभी मैं जिंदा हूँ, उसको यही रहता है मैं अभी पूर्णतया जिंदा हूँ, एक मिनट के बाद उसका प्राण। तो हम लोग क्या हैं, सूखी घास के सैया पर सोए हुए हैं, आग उसमें लग चुका है, लेकिन हमको नहीं पता। हमको ये लगता है जो एसी कमरा तो है मेरा, कितना सुंदर मेरा गद्दा है, बेड पर सोया हुआ हूँ, लेकिन एक दिन हम लोग कल्पित हो जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो आज संसार जो है तो इसी में हम लोग जा रहे हैं। कहते हैं सीख बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूँ, सक्य बचन नहीं ज्ञान। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे आपको सभी वीडियो अपलोड होने पर सूचना मिल सके। सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अंतिम निवेदन ये है कि हमारे सभी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स टैब है, उसे दबाइए और सुपर थैंक्स खरीदिए। सुपर थैंक्स हमारे चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, इसलिए इसे ज़रूर खरीदिए और हमें प्रोत्साहन प्रदान करिए। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्ते, हर हर महादेव।